खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। महाराष्ट्र से लेकर गुजरात के कई इलाकों में हुई भारी बारिश के बाद बुरा हाल है। कई इलाके पानी में डूबे हुए हैं और लोग जहां के तहां फंसे हुए हैं। ऐसे में लोगों को रेस्क्यू करने के लिए एनडीआरएफ की टीमों को तैनात किया गया है। उधर ठाणे जिले में भारी बारिश की आशंका के बीच सोमवार यानी कल स्कूलों को बंद रखने का फैसला लिया गया। तो आइए आपको दिखाते हैं बारिश और बाढ़ की 25 तस्वीरें। बाढ़ की ये तस्वीरें महाराष्ट्र के पालघर की हैं। नदियां किस कदर उफान पर हैं, पालघर की इस तस्वीर से अंदाजा लगा सकते हैं। वैतरणा नदी का पानी पुल के ऊपर से गुजर रहा है, जिसकी वजह से आसपास के गांवों का संपर्क टूट गया है। हालांकि कुछ लोग जोखिम उठाकर पैदल ही पुलिया पार करने की कोशिश कर रहे हैं। मुंबई के नाला सुपारे में बारिश की वजह से रेल की पटरियां भी पानी में डूब गई हैं। पानी इतना ज्यादा भर गया कि गाड़ियां और मोटरसाइकिल आधा पानी में डूबी हुई दिखाई दी। मुंबई से सटे भिवंडी में भारी बारिश के बाद हालात ये हो गए हैं कि सड़कें तालाब बन गई हैं। जहां नजर दौड़ाओ वहां पानी ही पानी है। भिवंडी शहर में लगातार दूसरे दिन भी बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। हम खड़े हैं भिवंडी शहर के शेलार ग्राम पंचायत हद में भिवंडी वाड़ा रोड पर, और यहाँ की आप स्थिति देख सकते हैं कि रोड पूरी तरह से तालाब बना हुआ है। एक नदी का रूप यहाँ पर इस रोड ने ले लिया है, और अगर देखा जाए तो वाहनों को आने जाने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अनेक वाहन जो है, अनेक गाड़ी है यहाँ पर जो बंद पड़ जा रही है, जिसके वजह से धक्का मारकर उसको लाना पड़ रहा है। ये रास्ता जो है, ये भिवंडी से वाड़ा जाने वाला एकमेव ऐसा मुख्य रास्ता है, और इस रास्ते पर इस अवस्था के वजह से लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। नदी यहाँ पर जो बह रही है, उसने यहाँ पर उसका जो पानी है आसपास के इलाकों में भरा जा रहा है, जिसके वजह से आसपास के इलाके में भी पानी भर चुका है। हम आपको दिखा सकते हैं कि घरों में भी पानी भरा हुआ है। कई दुकान है यहाँ पर, सैकड़ों दुकान है, उस सैकड़ों दुकानों में भी पानी भरा हुआ है। यहाँ की स्थिति देखा जाए तो अनेक घरों में पानी जाने की वजह से लोगों का काफ़ी सारा नुकसान हो चुका है। अगर भिवंडी शहर की बात करें तो भिवंडी शहर के कई इलाकों में बाजार पेट, तीन बत्ती, भाजी मार्केट, सौदागर मोहल्ला और इसी तरह से समरू बाग, दीवानसा दरगाह, टंडेल मोहल्ला आदि इलाकों में पूरी तरह से पानी भरा हुआ है। अनिल वर्मा, एबीपी न्यूज, भिवंडी। हम मुंबई के वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पे मौजूद हैं। बांद्रा का खेरवाड़ी इलाका है, और यहाँ पर जल जमाव के चलते ट्रैफिक का लंबा जाम लगा हुआ है। अगर दूर तक आप नजर डालेंगे तो आपको केवल गाड़ियों की ही कतारें नजर आएंगी। ये जो इलाका है, ये वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे का है। यहाँ पर गाड़ियाँ जो हैं जल जमाव के चलते कतार में एक के बाद एक गुजरती हुई नज़र आ रही हैं। जिस जगह का दृश्य आप कैमरा में देख रहे हैं, वो माहिम से होते हुए आ रहा है। ये बांद्रा का खेरवाड़ी इलाका है। अगर जो हम आपको मेरी बाई ओर का दृश्य दिखाना चाहेंगे, तो जो बांद्रा अंधेरी से होते हुए ट्रेन माहिम की तरफ जाती हैं, वहाँ पर भी ट्रैफिक का लंबा जाम लगा हुआ है। पूरा बांद्रा इलाका लगभग जो है अब पानी से डूब चुका है, जल जमाव हो चुका है। हालांकि अभी के लिए बारिश रुक चुकी है, कुछ घंटे से बारिश पर ब्रेक लगी हुई है, लेकिन ट्रैफिक का जाम जगह जगह देखने को मिल रहा है। जो है हम उसकी आवाज़ सुन सकते हैं ऐसी ट्रैफिक से, उसके लिए रास्ता नहीं बन पा रहा है। हालाँकि यहाँ पर अभी भी किसी तरीके का वाटर निकालने के लिए इंजन नहीं लगाया गया है, जिसके कारण जो है जल जमाव अभी भी यहाँ पर हुआ है। घर से निकल रहे हैं और ऐसे में जो है ट्रैफिक का लंबा जाम लग रहा है, और लोगों को इन ट्रैफिक से होते हुए गुजरकर अपना सफर तय करना पड़ रहा है। कारों की ऐसी जल समाधि शायद ही आपने पहले कभी देखी होगी।
जहां तक नजर दौड़ाओ पानी में डूबी हुई कारें ही दिखाई दे रही हैं। ऐसी कारों की संख्या दर्जनों में है। ये मुंबई से सटे कल्याण के पौष इलाके लोढ़ा सिटी की तस्वीर है, जहां चारों तरफ मटमैला पानी ही दिखाई दे रहा है। लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो गया। कुछ घंटे तक चली एक बारिश ने इस हाई प्रोफाइल इलाके की सूरत ही बदल दी है। लोग यहां भले ही बहुमंजिला इमारतों में रह रहे हों, लेकिन उनके ग्राउंड फ्लोर तक पानी भरा हुआ है। पानी इतना ज्यादा है कि लोगों की कमर तक पहुंचा हुआ है। लोग किसी तरह इस पानी से निकलने की कोशिश करते दिखाई दिए। गुजरात के नवसारी का मेदर गांव पानी में डूबा हुआ है। चारों तरफ पानी ही पानी है। बाढ़ के पानी में लोग बुरी तरह गिर गए हैं। कुछ लोग तो अपने दम पर जोखिम उठाकर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। जिले में जो हो रही है बारिश, उससे कैचमेंट एरिया में पानी बढ़ा और उसके बाद यहां पर अंबिका नदी का जलस्तर बढ़ा और अब ये अंबिका नदी का जो पानी है वो गांव में घुसने लगा है। फिलहाल ये जो ब्रिज आप देख रहे हैं, जो कि इस सामने की बिलीमोरा जो एक कस्बा है, इससे इन गांवों को जोड़ता है और आगे नवसारी की तरफ रास्ता जाता है, इसको बंद कर दिया गया है लोगों के लिए। यहां पर से लोगों के आने जाने की मनाही है। पुल को बस छूते हुए ये पानी गुजर रहा है, नीचे की तरफ से छूते हुए जा रहा है। 5 फीट ऊपर बह रही है खतरे के निशान से यहाँ पर। और अब जो गांव में पानी घुसा है वहां पर इंडियारफ और एसडीआरएफ की टीम पहुंच चुकी है। कई लोगों को एयरलिफ्ट भी कराया गया है। जो लोग इस मुसीबत से नहीं निकल पाए उनको निकालने के लिए हेलीकॉप्टर पहुंचा और तब जाकर उनका रेस्क्यू किया गया। पुणे के सांगवी इलाके में बाढ़ से हालात बिगड़ गए। एक मकान में पूरा परिवार फंस गया तो उनको निकालने के लिए एनडीआरएफ की टीम को बुलाया गया। एनडीआरएफ की टीम ने बोट और रस्सी की मदद से वहां फंसे एक ही परिवार के 7 लोगों को बाहर निकाला। सांगवी इलाके में पानी का बहाव बहुत ज्यादा है, लेकिन एनडीआरएफ ने सभी लोगों को सलामती के साथ रेस्क्यू किया। सांगवी इलाके में नौबत ये आ गई कि कई घरों और कोठियों में बाढ़ का पानी घुस गया है। लोगों की कार बाइक सब पानी में डूबे हैं। लोगों का बाहर निकल पाना और भी मुश्किल हो गया है। एनडीआरएफ की टीम ने सिर्फ इंसानों को ही इस मुसीबत से नहीं बचाया, बल्कि पुणे के कामशेत इलाके में जानवरों को भी रेस्क्यू किया गया। ये देखिए उफनती बाढ़ से कैसे इस गाय को बचाया गया। दोनों छोर पर रस्सी बांधकर इस गाय को सुरक्षित बाहर निकाला गया। कोई फ्रिज उठाकर ला रहा है, कोई बैग उठाकर ला रहा है, किसी के हाथ में अटैची है तो कोई गठरी में भरकर सामान ला रहा है। लोग अपना ये सारा सामान ट्रक में लाद रहे हैं और सुरक्षित स्थानों की ओर निकल रहे हैं। ये तस्वीरें पुणे के खिलाड़वाड़ी इलाके की है, जहां खड़कवासला डैम से पानी छोड़े जाने के बाद पूरे शहर में बाढ़ के हालात पैदा हो गए। मुथा नदी के आसपास रहने वाले लोगों पर सबसे ज्यादा मुसीबत आई, जिनके घर में पानी घुस गया, लिहाजा लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा। लोग सामान लेकर सुरक्षित ठिकानों की ओर रुख करने लगे हैं। महाराष्ट्र के कई इलाकों में भारी बारिश के बाद ये हालात पैदा हो गए हैं। समय हम बांद्रा के खेरवाड़ी इलाके में मौजूद हैं और यहाँ का अगर जो आपको दृश्य दिखाना चाहें तो पूरी तरीके से ये जो रोड है वो पानी से भरा हुआ है। यहाँ ये रिहायशी इलाका है, लोगों का घर यहाँ आप देख सकते हैं। यहाँ जितनी भी गाड़ियाँ अपने घर के बाहर लोगों ने पार्क की हैं वो पूरी तरीके से पानी में डूब चुकी हैं। यहाँ से निकलने का भी कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है। आप अगर जो सामने की ओर देखेंगे तो वहाँ जो घर मौजूद हैं लगभग उनके सीढ़ियों तक पानी पहुंच चुका है। आपको अगर जो हम अपने बाई ओर दिखाना चाहेंगे तो यहाँ एक चर्च छोटा सा मौजूद है, होली क्रॉस है, जो पूरी तरीके से पानी में डूब चुका है, क्रॉस तक पानी पहुंच चुका है। बाई ओर की अगर जो और आपको दृश्य दिखाना चाहे तो यहाँ जो बिल्डिंग मौजूद हैं वहाँ भी पानी जमा हो चुका है। आलम यह है कि अब लोगों के घर में पानी जमा होना शुरू हो चुका है। बारिश फिलहाल के लिए रुक चुकी है, 3:30 बजे का समय है, लेकिन जो जल जमाव है स्थिति वही 10 की 10 है। अभी भी ये जो पानी है मुंबई की सड़कों पर देखा जा सकता है। हाई टाइड का जो मौसम विभाग ने अनुमान जताया था, फिलहाल अभी हाई टाइड की स्थिति भी वही है। जब तक समुद्र से पानी नहीं निकलता है तब तक मुंबई के जो निचले इलाके हैं वहाँ पर इसी तरीके का जल जमाव होगा। अगर फिर से एक बार बारिश तेज़ी पकड़ती है और ज़ोर से कुछ घंटे बारिश हो जाती है
तो जिन जगहों पर इस तरीके से जल जमाव हुआ है वहां की स्थिति और भी खराब होती हुई नजर आ सकती है। गुजरात के नवसारी जिले के भाथा और अमलसरा गांव पर भी बाढ़ की वजह से मुसीबत आ गई है। लगातार हो रही बारिश की वजह से अंबिका नदी का जलस्तर बढ़ गया और पानी गांव में घुस गया है। इसके चलते भाथा गांव में पानी 4 से 5 फीट भर गया है। गांव में 70 के करीब मकान हैं जो इस समय पानी में डूबे हुए हैं। वहीं बाढ़ का पानी लगातार बढ़ता जा रहा है। गुजरात के नवसारी जिले के भाटा गांव में है। ये नवसारी से करीब 20 किलोमीटर दूरी पर ये गांव है। अंबिका नदी के किनारे बसा ये भाटा गांव है जहां पर इस समय काफ़ी ज़्यादा पानी भर आया है। पिछले 3 दिनों से लगातार हो रही बारिश के चलते यहां पर पानी ज़्यादा हो गया है नदी में। और अब जिस जगह हम खड़े हैं ये सड़क है, यहाँ से गाड़ियाँ गुजरती हैं, एक गांव से दूसरे गांव जाने का रास्ता है, लेकिन आज यहां पर पानी ही पानी है। और ये जो पानी आप देख रहे हैं जो इस सड़क के ऊपर से होते हुए जा रहा है ये अंबिका नदी का पानी है और अब ये गांव के अंदर घुसने लगा है। इस गांव के अंदर तकरीबन 70 के करीब मकान हैं और 300 के करीब लोग यहां रहते हैं। वो अब इस गाँव में अंदर जो है पानी घुसने लगा है, तो लोग कुछ बाहर आ चुके थे, जो बाहर नहीं आए हैं अब वो निकलने का रास्ता बना रहे हैं। आप देख सकते हैं ये गाँव के लोग हैं जो रस्सी बांध रहे हैं यहाँ पर एक पेड़ के किनारे पे, ताकि जो लोग निकलना चाहते हैं, जो अपने घरों में निकलना चाह रहे हैं, उनके लिए ये रास्ता हो ताकि वो रस्सी से इसके ज़रिए बाहर निकल सकें। गांव के लोग रस्सी बांध के निकल रहे हैं। NDRF और SDRF की टीम भी यहाँ पहुँच चुकी है और बारिश लगातार हो रही है जिससे तकलीफें और बढ़ सकती हैं। कैमरामैन राममणि पांडे के साथ प्रफुल्ल श्रीवास्तव, ABP न्यूज़, भाटा गाँव, नवसारी। मेधर नाम के गांव में फंसे 32 लोगों को निकालने के लिए NDRF और एयरफोर्स से मदद ली गई। हेलीकॉप्टर से कई लोगों को निकाला गया। वकोला का ये लंकानगर इलाका है और देखिए पानी किस स्तर पर चढ़ गया है। घुटने के ऊपर कमर की तरफ ये पानी है, लगातार पानी ऊपर की तरफ चढ़ रहा है, बारिश लगातार जारी है इस इलाके में। और देखिए किस तरीके से यहाँ जो तमाम घर हैं वो घर डूबे हुए हैं, इलाके के बच्चे अपने घरों से बाहर हैं। देखिए सामने आपको घर दिखाई देगा, जो दरवाजे का नीचे का हिस्सा है पूरी तरह से डूबा हुआ है। भैया बारिश हो रही है कल से लगातार, और कल की बारिश के बाद लगातार इस पूरे इलाके में पानी भरा हुआ। कब से आपके इस इलाके में पानी चढ़ा? कल से पानी भरेला इधर, कोई भी नहीं आया अभी तक इधर देखने के लिए। और ये बताइए कि बारिश का लगातार कल से हो रही है, पानी कल भी चढ़ा आपके यहाँ? पानी कुछ उतरा क्या? नहीं नहीं, पानी बिल्कुल नहीं उतरेला अभी, वैसा का वैसा है। देखिए ये शिकायत कि घर में फंसे रहना पड़ता है, कोई भी प्रशासन का आदमी यहाँ पूछने के लिए नहीं आता, इतनी दिक्कत है, इतना खतरा बना हुआ है। पास का जो नाला है वो भी चढ़ा हुआ है, तो पूरी तरीके से यहाँ पर खतरे की स्थिति बनी हुई है, पानी चढ़ा हुआ है। जो निचले इलाके हैं मुंबई में पूरी तरह से जलमग्न है लगातार बारिश के बाद, जो कि कल रात से मुंबई में जारी है। मुंबई के बकोला का लंकानगर इलाका, और देखिए किस ऊंचाई तक पानी घर के अंदर पहुंचा हुआ है। देखिए हमारे घुटने के ऊपर तक पानी यहां पर है और पूरा घर पानी में डूबा हुआ है। आप देखेंगे घर के अंदर आपको कुर्सियां पानी में डूबी दिखेंगी, चप्पलें पानी में तैरती दिखेंगी। इस तरीके से आधा जो हिस्सा है घर का पूरी तरह से जलमग्न है, लगातार पानी जो है चढ़ रहा है इलाके में। आप देखिए किस तरीके से यहाँ बीच में आपको कुर्सियों के साथ सोफा और बाकी सारा सामान तैरता हुआ दिखाई देगा, पूरा घर पानी से जलमग्न है। सुबह 4 बजे से हम लोग पानी में ही है, कोई पूछने नहीं आया कुछ नहीं, और ऊपर से वो ब्रिज के वजह से पानी ना उधर एक्सेप हो रहा है ना कुछ हो रहा है, इधर कंटिन्यूसली पानी ऐसे का ऐसा ही है, कुछ हिल ही नहीं रहा है। अभी 11 बजने हम लोग पानी में ही है अभी तक। सुबह जब 4 बजे पानी घर में आना शुरू हुआ उसके बाद लगातार पानी चढ़ा होगा, आप लोग को चिंता बनी होगी? हाँ चिंता तो बनी थी, बट पानी इतना फटाफट चढ़ने लगा कि हम लोग को बाहर जाने का टाइम ही नहीं मिला, और इतने फोर्स से पानी आ रहा है, बारिश गिर रहा है, हमको कोई पूछने नहीं आता इधर। तो देखिए ये चिंता बनी हुई है परिजनों को, कारण उसका साफ है कि जो लगातार बारिश हुई है और बारिश के बाद पानी चढ़ा है, उसके बाद लोगों को दिक्कत लगातार आ रही है। ये पानी घरों के अंदर घुस चुका है, घरों में छोटे बच्चे हैं। बताया जा रहा है कि सुबह 4 बजे के आसपास ये पानी आना शुरू हुआ और उसके बाद इतनी वेग से ये पानी आया कि पूरा घर, जो इस इलाके में कई सारे ऐसे घर हैं जो पूरी तरह से जलमग्न हो गए हैं। मुंबई की मीठी नदी भारी बारिश की वजह से ओवरफ्लो हो रही है, जिसका पानी कुल्ला के क्रांति नगर इलाके में घुस गया। इसके बाद यहां अफरा तफरी मच गई, गलियों गलियों में पानी भरा हुआ है, लोगों के घुटने के ऊपर तक पानी पहुंच गया। लोग पानी के बीच किसी तरह गलियों में आवाजाही कर रहे हैं। घरों के अंदर का ये हाल है कि इस महिला की चारपाई आधा पानी में डूबी हुई है। क्रांति नगर इलाके में लगभग सभी घरों में पानी घुस गया है। Hey!
महाराष्ट्र के पुणे में बाढ़ की ये सबसे डरावनी तस्वीरों में से एक है। लोगों के घर किस कदर डूबे हैं ये इस तस्वीर से पता चल रहा है। लोगों की गर्दन गर्दन तक पानी भरा हुआ है। इस बाढ़ से बचने के लिए लोग जद्दोजहद कर रहे हैं। ये पुणे के शांति नगर इलाके की तस्वीरें हैं, जहां भारी बारिश के बाद ऐसी बाढ़ आई कि घरों के अंदर तक घुस गई। यहां लगभग सभी घर बाढ़ में डूबे हुए हैं। शांति नगर इलाके में इतने ज्यादा पानी के बीच लोग किसी तरह अपना सामान बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। गैस सिलेंडर निकाले जा रहे हैं, लोग रस्सी के सहारे खुद को इस संकट से बाहर निकालने की जुगत में हैं, तो कोई तैरकर बाहर निकल रहा है। पुणे के शांति नगर से बाढ़ के बीच 250 परिवार को हटाया गया है। देखिए, ये मुंबई का आनंद नगर कोऑपरेटिव सोसाइटी बखोला का इलाका है और यहाँ पर 360 डिग्री में हम आपको जलभराव की समस्या दिखाएंगे। हमारे सामने एक गली पूरी तरह से पानी भरा हुआ है, हमारे ठीक सामने दूसरी गली पानी से भरी हुई और तीसरी गली। अब इस जलभराव के बीच में यहाँ के रहवासी इतना इसे सामान्य तौर पर लेने लगे हैं कि जो छोटे बच्चे हैं यहाँ पर खेलने के लिए निकल आए हैं, फुटबॉल से खेल रहे हैं, उत्साह अपना जाहिर कर रहे हैं इस बरसात को लेकर। संडे का दिन है, आज के दिन छुट्टियां होती हैं स्कूलों में, कोचिंगों में, तो बच्चे अपना खेलते हैं, पर अब क्योंकि जल भराव है और ये छोटे बच्चे हैं इस पानी से भी नहीं हार रहे हैं और इसका उत्साह जो है जस का तस बना है और इस जल भराव के बीच में फुटबॉल से बच्चे खेल रहे हैं। ये गलियों का हाल है जो निचले इलाके हैं मुंबई के, लगभग हर इलाके में गलियों में इसी तरीके से आसपास का पानी इकट्ठा हो गया है। पानी क्योंकि लगातार बारिश है इसलिए कहीं निकल भी नहीं रहा है और जिसके चलते पानी लगातार इलाकों में चढ़ रहा है। इलाके के लोगों के चिंताएं बढ़ी हुई है इसी को लेकर कि जिस तरीके से बारिश हो रही है और पानी रुका हुआ है, जलस्तर और भी ज्यादा बढ़ सकता है। दरिया बनी सड़कें, ये मुंबई की तस्वीरें हैं। भारी बारिश से जो सड़कों पर पानी का जमाव हुआ उसकी वजह से ये हाल हो गया। जगह जगह तालाब जैसी नजर आने लगी। सांता क्रूज पुल के नीचे सबसे ज्यादा जल जमाव हुआ है। मूसलाधार बारिश के बाद मुंबई के सड़कों पर अभी हमें छोटे छोटे स्विमिंग पूल नजर आ रहे हैं। ऐसे एक स्विमिंग पूल मैं आपको दिखा रही हूँ जो है सांता क्रूज ब्रिज के नीचे। सांता क्रूज ब्रिज के नीचे का ये रास्ता जो जाता है अंधेरी की तरफ, और इसी रास्ते पर ये एक स्विमिंग पूल हमें दिखाई दे रहा है। हालांकि आज छुट्टी का दिन है, स्कूलों को भी छुट्टी है, काफी मुंबई कर जो घर के बाहर नहीं निकले हैं वो इस स्विमिंग पूल का आज आनंद उठाना चाह रहा है और इसीलिए इस स्विमिंग पूल के जमा हुए पानी में, इस भरे हुए पानी में कुछ लोग अपनी गाड़ियां, कुछ लोग अपने ऑटो रिक्शा भी धो रहे हैं। रास्ता जो एक रास्ता मिलन सबवे की तरफ जाता है, एक खार सबवे की तरफ जाता है, सबवे में अक्सर पानी भरता है और वही पानी अभी तक खाली नहीं हुआ है। जल जमाव होने की वजह से कई सड़कें बंद करनी पड़ी हैं। हालांकि बारिश बाद में धीमी पड़ गई थी, लेकिन दो घंटे में ही इतना पानी बरसा कि मुंबई में सिस्टम की पोल खुल गई।